हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग? गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है बिकॉज एज यू नो लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई ट्रैवल प्लान्स वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं जाना। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, कुछ शेयर करना है। सामान मैंने लिया था जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उससे जस्ट एक हफ्ते पहले ही मैंने कुछ सामान लिया था अपने ट्रैवल को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। तो आई थॉट उसकी अनबॉक्सिंग या फिर एक तरह का रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूँ। ये सामान है, एक है ये मेरा क्वेचा का स्लीपिंग बैग और ये क्वेचा का ही टेंट है। तो ये दोनों सामान का आज मैं आप लोगों को एक तरह से खोल के दिखाऊंगा, रिव्यू दूंगा, ओपिनियन दूंगा। रिव्यू तो एक्चुअली डिटेल नहीं दे सकता बिकॉज आज तक अभी यूज़ नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगा हूँ। तो खोल के इसकी असेंबली वगैरह दिखाऊंगा आप लोगों को, दिखाऊंगा ये कैसा है। डीकैथलॉन से मिलता है क्वेचा, डीकैथलॉन का ब्रांड है तो आपको वो तो पता ही होगा। गाइस, ये जो टेंट है ना, ये 2 पर्सन वाला है और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 2500 रुपये में पड़ा था। 2500 रुपीज़ का ये टेंट पड़ा था मेरे को, 2 पर्सन की कैपेसिटी है और आई थिंक इसकी वही 3 साल की गारंटी होती है जो डीकैथलॉन पे मोस्टली सामान की होती है। 210 मतलब 6 फुट वाले दो बंदे आराम से इसमें सो सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी हाइट है, साथ में इसमें फ़ाइबर पोल्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है टेंट 100 समथिंग और इसका वेट सिर्फ 2.4 kgs है। सो गाइस, ये स्लीपिंग बैग है, ये भी आप देख सकते हो डीकैथलॉन क्वेचा का ही है एंड इसका मॉडल नंबर है आर्पेनाज 10 degree something। सी यहाँ पे ये वाला है, तो 10 degree, इसमें 10 degree मींस के 10 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होगा बाहर, तब तक ये आपको आराम से वार्म रख सकता है। तो 10 डिग्री तो इसका वो होता है एक, क्या कैसे कह सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। बट ये 5 degree या फिर उससे भी नीचे 1-2 degree तक, मतलब 4-5 degree अगर ठंड में आप टेंट लगा भी रहे हो और उसमें आप सो रहे हो स्लीपिंग बैग के अंदर, तो इट कैन कीप यू वार्म। सो दैट्स वाई ये मैंने लिया था। ये मेरे को 1500 और 2000 के आसपास के बीच में पड़ा था, अभी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। मैं एक बारी बिल की इनवॉइस की कॉपी नीचे डाल दूंगा, मेरे पास नीचे रखी हुई है घर पे। तो इसकी गारंटी भी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईयर्स की गारंटी है और 6.5 फुट का बंदा आराम से इसमें सो सकता है। 6.5 फुट इज़ अ वेरी बिग लेंथ। तो अब मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। ओके गाइस, सो मैं ये सारा खोल के आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। एक्चुअली इसमें ना ये पकड़ने के लिए एक हैंडल भी होता है, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। रबड़ बैंड्स हैं, रबड़ बैंड्स को निकालना है इसको, सी ऐसे खोल के। ये ऊपर से ना ये सिर्फ एक कवर है, ठीक है। इस कवर में एक यहाँ पे इस जगह पे टूल किट दी हुई है, जो टूल किट जिसमें रस्सी और वो बोल टाइप्स हैं ताकि आप अपना टेंट पिच कर सको घास के अंदर। लकी ये पकड़ लें। सो इसका कोई काम नहीं है, ये आपको साइड पे रखना है। जो मेन सारा सामान है ना वो ये है और साथ में इसके ये हैं इसकी फाइबर जो पोल्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पोल्स हैं फाइबर की, ये जुड़ के टेंट के सपोर्ट, मतलब यही होता है मेन, ये जो टेंट को ऊपर तक ऐसे आर्क जो बना के रखती है वो इसी वजह से होता है। इसके अंदर मेनली दो हिस्से निकलते हैं, ठीक है। एक तो ये हिस्सा है जो वाइट वाला हिस्सा है, ये इसकी बॉडी है, ये जो ऊपर रहेगी, ठीक है, मतलब जो जिसके अंदर जो फाइबर पोल्स लगेंगे, ठीक है, वो है एक। और ये जो हिस्सा है ये कवर है टेंट का, ये वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। जो आप इसको जो बनाओगे ना फाइबर पोल्स लगा के, ये जो बनाओगे इसके ऊपर ये कवर चढ़ेगा। अभी दिखाता हूँ कैसे होगा। ये बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखो। जैसे ये अभी मुड़ी हुई है ना, इसको आपने सिर्फ ऐसे, इसके अंदर इलास्टिक है, इसके अंदर आपने स्ट्रेच करके बस अंदर डालनी होती है। ये पूरी अब एक स्टिक बन गई, अप्रॉक्सीमेटली 9 फुट।
देखो गाइज, ये जो मैंने ये फाइबर पोल फंसाया था ना, ध्यान से देखना, ये मैं निकाल नहीं सकता अभी, नहीं तो दिखाता। इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर पहले यहाँ से जाता है, ये चार पॉकेट दी हुई है, ये जो पॉकेट आप देख पा रहे हो, ये चार पॉकेट है चारों कॉर्नर पे। तो ये ऐसे लगा है इस पे, और ये उस तरफ की ऑपोजिट पे है, इधर से लग के फिर इस तरफ की ऑपोजिट पे है। ये आपका टेंट हो गया तैयार, दिस इज योर टेंट। इसके अंदर आपको स्पेस मिल रही है। अब ये टेंट का फायदा गाइज ये है, इसके अंदर ये इसका मेन फायदा है, ये जो क्रॉस वेंटिलेशन है ना इसकी, जो इसके अंदर आपको हवा मिलेगी, ये जो जाली है इसके अंदर से ना आपको मच्छर मुच्छर लगने वाले हैं कहीं पे भी आप कैंपिंग कर लो। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया, और वो लास्ट काम है इसका, जो मैंने आपको एक कवर दिखाया था, ये जो मैंने आपको कवर बताया था, ये दो पार्ट थे इसके, ये अंदर वाला टेंट और ये कवर, बस ये कवर डालना है। जो मेन वाटर प्रूफ और जो वेट प्रूफ जो काम करेगा ना, वो ये है इसका। तो ये डाल देते हैं, बस इसमें गाइस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो जाली वाला एरिया है ना, उसके पास ये पॉकेट होएगी, ये काइंड ऑफ एक वेंटिलेशन वाली पॉकेट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने ये यहाँ पे यूज़ करना है, ये ऐसे एक, ये इसको ऐसे आप खड़ी कर सकते हो, देखो नीचे से दिखा, यहाँ पे स्पेस है, तो ये चीज़ ऐसे खड़ी रहेगी, यहाँ से आपको एयर वेंटिलेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी पॉकेट तैयार। अब जो मैंने पॉकेट दिखाई थी आपको, ये पॉकेट है, ठीक है, इसके पास ही इसमें कवर में ये हुक दी हुई है, तो जो आप ये कलर से मैच कर सकते हैं, ब्लैक वाली चीज़ ब्लैक वाली पॉकेट के अंदर जाएगी, ये जो ब्लूइश है ये ब्लूइश इसके साथ अटैच होगा, ताकि ये कवर जब विंड आए तो ये कवर बाहर ना निकले और ये इसमें लगा रहे। तो ये चारों कॉर्नर पर है, ये आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्लिप ऑन करना है चारों कवर पर लगा के, बस दैट्स इट। So guys, this is it. ठीक है गाइज, तो ये है आपका मैक्सिमम 10 मिनट में बनने वाला टेंट। ये आपका टेंट तैयार हो चुका है, आराम से इसमें आप दो बंदों वाला मैट्रेस लगा लीजिए। अब जो दूसरी चीज़ रह गई है, टेंट तो मतलब रहने की जगह तो तैयार हो गई है, अब मेन बात ये है कि अभी तो हम लोग चलो रूफ टॉप पे हैं, तो इवन सरफेस है, जब आप कैंपिंग करते हो तो हर जगह इवन सरफेस नहीं होता, तो आपको मैट्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैट्रेस पे अभी मैंने खर्चा नहीं किया था, बिकॉज आगे समर आने वाली थी, तो समर्स में मैं ऑलमोस्ट वैलीज़ में ही ट्रैक करने वाला था, कहीं उबड़ खाबड़ जगह नहीं जाता मैं। मैंने इस चीज़ पे खर्चा किया जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये स्लीपिंग बैग है, तो ये एज अ मैट्रेस भी मेरे काम आ जाएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। अब ये वाला बैग ना, इसके अंदर पूरा मैट्रेस का काम करेगा। ओके, सो ये हमारा छोटा सा आशियाना तैयार हो चुका है, और बिलीव मी बहुत मज़ा आ रहा है अंदर बैठ के, जो फीलिंग है ना, यहाँ साइड पे आपके रक्सैक पड़े हो, ट्रैवल बैग्स हो, साइड पे DSLR पड़ा हो, सामने बॉनफायर लगी हो, और ये आपका छोटा सा घर सिर्फ एक रात के लिए, जो आपने खुद अपने बैग में से निकाल के बनाया, मज़ा ही अलग है। तो ये देखो, ये पूरी किट है। अब ये मैट्रेस इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना इस टाइम, और अगर आप ये दो ले लेते हो, दो बंदे मतलब अगर जैसे दो बंदे ट्रैक कर रहे हैं, दोनों बंदों के पास ये है, तो आपको ना मैट्रेस की ज़रूरत है और आपको कोई कंबल की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच मतलब वार्म। सो गाइस, दिस इज़ इट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये मैंने इन्वेस्टमेंट की थी लॉकडाउन से जस्ट पहले, सोचा था, काफ़ी सपने संजोए थे, बहुत उम्मीदें थी, बट चलो कोई बात नहीं, जब सब कुछ से दोबारा ठीक हो जाएगा, होप सो जल्दी से हो जाए, एंड फिर उसके बाद शुरू करेंगे दोबारा से कैंपिंग वगैरह। तो अ लॉट मोर कंटेंट इज़ कमिंग ऑन दिस चैनल जैसे ये लॉकडाउन खुल जाता है, सब लोगों की सेहत ठीक हो जाती है, बिकॉज सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप लोगों ने भी खरीदना हो, या फिर ट्रैकिंग की कोई भी गियर के रिलेटेड क्वेरी हो, तो वो भी बता देना, तो वो हम लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तो DM में आप मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, फील फ्री टू DM एनी टाइम। तो बस दैट्स इट, बाय बाय।